हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप 11th क्लास के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आप लोग का टर्म वन की परीक्षा फिलहाल समाप्त हो गई है और साथ ही आपका टर्म टू की परीक्षा के लिए डेट भी निकल गया है। आपका टर्म टू की परीक्षा 16 जून को स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए आपको टर्म टू की भी तैयारी अच्छी से करना होगा। इसके लिए आपको सिलेबस की ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हिस्ट्री अर्थात इतिहास का सिलेबस लेकर आया हूं। तो हो सके तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप लोग को हिस्ट्री का टर्म टू का सिलेबस बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको टर्म टू में पूछे जाएंगे, वो भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, आप लोग का पहला चैप्टर रहेगा बदली हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जबकि संस्कृति का टकराव इससे भी आपको तीनों पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हमारा औद्योगिक क्रांति से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा हो जाता है आधुनिकीकरण के रास्ते, इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। अर्थात आपको टर्म टू की तैयारी के लिए आपको चार चैप्टर दिए हुए हैं, चारों चैप्टर को अच्छे से ढंग से जानना होगा। इसके अंदर में भी टॉपिक बाय टॉपिक होंगे, उसको भी विस्तार से जानना होगा। और हाँ, इसी से आप लोग को टोटल 19 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 13 क्वेश्चन को बनाना होगा दोस्तों। तो इसी तरह से अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।